अब घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। देख रहे होंगे आप यहां प्रपोजिशन लिखा है, लेकिन माइकल स्वान का प्रपोजिशन लिखा है। मैंने वर्ब से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस ली हैं, अपनी खुद की भी और मॉडल पेपर्स को हल कराते समय, टीजीटी का प्रश्न कराते समय बहुत सारी चीजें बताई हैं। और इसके अलावा आपको टेंस का और नाउन का और एक तीन दो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से? अरे चुप हो जाए बच्चे। नाउन का, टेंस का और कौन सा, और कौन सा? टेंस पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, और कौन सा पढ़ाया? वो पढ़ाया नहीं, वो नहीं पढ़ाया, तो वो पढ़ाने जा रहा था मैं। एक बच्चा है हमारा जाकिर, वो कई दिन से कई बार मैसेज कर चुका है, दो बार मैसेज किया उसने मुझे, पर्सनली कॉल करके बोला। तो मुझे लगा कि ठीक है, चैप्टर ही तो है और बढ़िया चैप्टर है, तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ प्रपोजिशन की। और प्रपोजिशन की खास तौर से ये जो इनकी किताब है माइकल स्वान की, इसमें जो प्रपोजिशन लिखा, जिस तरीके से लिखा, वो बड़ा इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव से मतलब ये है कि ये यूसेस की बात पर ज्यादा फोकस करते हैं, कि किस तरह से आपको बहुत सारी वर्ब्स। प्रपोजिशन एक बहुत विशाल चैप्टर है, बहुत विशाल चैप्टर, जिसको 6 महीने तक लगातार पढ़ाया जा सकता है। मैं खुद उसको पढ़ा सकता हूं, इतना सारा काम उस पे हो सकता है। लेकिन जो माइकल स्वान की बुक है, इसमें एग्जैक्टली जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जहां से एरर्स पूछी जाती हैं, उस तरह की चीजें उन्होंने ज्यादा कवर की हैं। कहां प्रपोजिशन का यूज होगा और कहां नहीं, फोकस इस बात कर, यानी हर सेंटेंस को कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश की है, आपको लॉजिकली बताने की कोशिश की है कि कहां पर प्रपोजिशन का यूज करना है और कहां पर प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो चलते हैं उन्हीं के दृष्टिकोण से देखते हैं। वैसे आप प्रपोजिशन के बारे में जानते हैं, प्रपोजिशन को जैसे मैंने बताया है, इज अ, जो फंडामेंटल में मैंने बताया था, प्रपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, इट जस्ट रिलेट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और एनी element, any word to noun or pronoun just after it, and that particular noun pronoun is the object of that particular preposition. Preposition हमेशा अपने पीछे वाले noun pronoun को अपने आगे वाले किसी दूसरी parts of speech से relate करता है। ये relation दिखाता है, ये connection नहीं दिखाता, ये connect नहीं करता। और जो structure इसका होता है वो भी आप जानते हो, जहां भी preposition का use होगा, जब भी, जो सिंपल चीजें हैं वो ये है कि प्रपोजिशन का जब भी यूज होगा तो इसके बाद एक नाउन प्रोनाउन आना आवश्यक है।
लेकिन इन्होंने बात ऐसे प्रपोजिशन को यूज करने से शुरू की है, कहां पर प्रपोजिशन लास्ट में यूज किया जाता है, अंत में, जहां आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको उन्होंने सबसे पहले सॉल्व करते हुए चैप्टर को शुरू किया है। तो जो सिंपल बातें हैं प्रपोजिशन के बारे में वो बताते हुए चलता हूं मैं आपको। प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद एक नाउन और प्रोनाउन लेगा, और वह नाउन प्रोनाउन इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और ये प्रपोजिशन सहित ये पूरा का पूरा पोर्शन एक एजंक्ट कहलाएगा। एजंक्ट का मतलब सहायक होता है, यह सहायता करता है किसकी, अपने पहले लगे वर्ड की। यह जो यहां पर वर्ड यूज किया जाता है, इस वर्ड से इसको एडिशनली जोड़ा जाता है, और उसके वर्ड से रिलेशन ही तय करता है कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि कौन सा। ये तो फ्रेज हो गया ना, एक प्रपोजिशन एक नाउन प्रोनाउन ये मिलकर के फ्रेज हो गया। तो ये नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब कोई भी फ्रेज का रोल अदा कर सकता है, जिस तरह का रिलेशन इसका अपने पहले वाले वर्ड के साथ होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। और ये जो नाउन प्रोनाउन यहां पर होगा, यह वास्तव में पूरा का पूरा फ्रेज, यह एक पार्टिटिव भी कहलाता है, पार्टिटिव नाउन कहलाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस वर्ड का पार्ट होता है, इससे रिलेटेड होता है। बात समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। तो आप जरा देखें प्रपोजिशंस एट द एंड ऑफ द क्लॉजेस। शुरुआत करेंगे हम प्रपोजिशंस की उन स्थितियों को समझने का जहां पर आपको ज्यादा टेंशन होती है। तो जहां ज्यादा टेंशन होती है हम वही ले चलते हैं आपको, आपको टॉप लेवल की चीजें पढ़ानी है, आपको यूं ही बहकाना नहीं है बस। किसी की क्लास चल रही है क्या? सबकी क्लास चल रही है, मेरी दो दो जगह चल रही है, यहां मोबाइल में भी चल रही है, यहां भी चल रही है, आवाज मैंने नहीं सुनी है अपनी, सुन लेता हूं मैं। चलते हैं आपको, एकदम एकदम आपको यूं ही बहकाना नहीं है बस। तो चलते हैं बढ़िया सी बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, चलो ठीक है। और सुधर जाओ नालायको, 100 तो तुमको तुरंत हो जाना चाहिए क्लास शुरू होते ही, और तुम घिचिर 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 करते करते 69 पहुंच पाए हो अब, और 48 तुम्हारे लाइक्स हैं। ये तुम्हारा जज्बा है पढ़ने का, मैं तो बिल्कुल, मैं तो दीवाना हूं तुम्हारा, मैं तो फैन हूं तुम्हारा। इंट्रोडक्शन, प्रपोजिशन का इंट्रोडक्शन जो वही मैंने बताया क्या, अब प्रपोजिशन ऑफन कनेक्ट्स टू थिंग्स, दो चीजों को कनेक्ट करता है, ये कहते हैं नहीं वो रिलेट करता है एक्चुअली। अ नाउन कनेक्शन से आप कंफ्यूज हो जाओगे, अ नाउन एडजेक्टिव और वर्ब दैट कम्स बिफोर इट, नाउन एडजेक्टिव और वर्ब को अपने आगे जो यूज होता है इसके, एंड सेकंड है प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये अपने बाद एक नाउन फ्रेज या नाउन लेता है, नाउन प्रोनाउन लेता है, ये नाउन फ्रेज लेगा या तो प्रोनाउन लेगा, दैट कम्स आफ्टर अ प्रपोजिशन, और अगर कोई फ्रेज लेगा तो वो प्रपोजिशन के बाद आएगा, पूरा का पूरा फ्रेज लेगा। तो यही दो ही तरीके से नाउन को प्रपोजिशन को यूज किया जाता है। जैसे हम कहें दिस इज अ प्रेजेंट फॉर यू, तो इस यू से प्रेजेंट का रिलेशन फॉर के द्वारा उसने दिखा दिया, लिए बता दिया। He is looking, अब looking एक verb है, looking की direction किधर है ये बता रहा है, at her को वहां पर रख दिया object के रूप में, at के object के रूप में, और ये सीधे relate कर दिया इसको her से at के द्वारा, यानी on नहीं है, at है, यू जहां पर हो लेकिन पर ना हो वही at होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब लिखा वहां पर हो, उस पर निगाह थी, तो उस पर निगाह थी का मतलब उसके ऊपर जाके निगाह पर थोड़ी हो गई थी, तो पर ना हो लेकिन पर की बात करे तो एट होता है। नहीं हिमांशु किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे, ना 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 ना, दैट इज वेरी पर्सनल, दैट इज वेरी पर्सनल एंड वेरी सेंसिटिव। हिमांशु डिलीट योर मैसेज, दे आर माई लवली स्टूडेंट्स, नो नो No, such types of talks to be done to them only. This is the matter between them and me. Between them and me. बस और कोई नहीं, ठीक है ना बेटा हिमांशु, मैं जज्बात आपके समझ रहा हूं, कद्र करता हूं, काफी सारे फोन्स आए मेरे पास आज, और मैं बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी परवाह करने वाले लोग हैं दुनिया में, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल पर्सनली है, ठीक है ना बाबू। यस बेटा मेरा हिमांशु, समझ गया, ठीक है ना, वो हमारे और हमारे बच्चों के बीच की बात है, हम आपस में एक दूसरे को नालायक कहेंगे, हम डांटेंगे फटकारेंगे सब करेंगे, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं कुछ भी बात करेंगे हम, लाल है मेरे सब। तो अब देखो ना, इसी तरह से देख रहे हैं ना बेटा, आई एम रियली एंग्री, अब एंग्री का जो के साथ रिलेशन विद के द्वारा दिखाया जा रहा है, एंग्री एक क्या है, एंग्री रियली एंग्री, एंग्री यहां क्या है, एडजेक्टिव हो गया रियली, ये आई को एंग्री कह रहा है और एंग्री को रिलेट कर रहा है विद जो के साथ।
इनके द्वारा, अब लिव की रिलेशन इनके द्वारा बताई जा रही है, स्मॉल विलेज ना, स्मॉल विलेज सराउंडिंग में स्मॉल विलेज है उसमें रहता है, ठीक है ना बाबू। क्लास चल रही है मेरे लल्ला, सब लोग बैठ के बढ़िया से पढ़ाई करो पहले, ठीक है बाबू। हाँ, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। इन सम स्ट्रक्चर्स वी मे पुट द प्रपोजिशन, अब देखो शुरू करते हैं धीरे धीरे कि कैसे कैसे कहां कहां पर प्रपोजिशन रखते हैं, एक एक चीज को बेटा समझ लेना, क्लासेस कई हो जाए डजंट इट मैटर मच, बहुत बढ़िया से समझ में आए दैट मैटर मच ओनली। तो इन सम स्ट्रक्चर्स वी मे पुट प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्लस उसके बाद लगा नाउन प्रोनाउन, एट और नियर द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। कभी कभी हम ऑब्जेक्ट एट करते हैं, एट माने उसी पे लगाते हैं, और नियर द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, क्लॉज की जहां शुरुआत होती है, हु के द्वारा, व्हाट के द्वारा, दैट के द्वारा, उसके पहले ही हम प्रपोजिशन लगा लेते हैं और पूरा का पूरा क्लॉज उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैं आपको समझाता हूं अभी, देखो ना, एट द एंड ऑफ द क्लॉज है ना, और ठीक है ना, डज नॉट ऑलवेज विद, हाँ इन दिस केस द प्रपोजिशन डज नॉट ऑलवेज गो विद इट, इस दशा में हमेशा प्रपोजिशन उसके साथ नहीं रहता, इट मे स्टे टुगेदर विद इट्स नाउन, वह अपने नाउन के साथ पीछे भी लग सकता है, या एडजेक्टिव या वर्ब जो भी है उसके पीछे भी लग सकता है, और एट द एंड ऑफ द क्लॉज भी लग सकता है। दिस हैपेंस स्पेशली इन फोर केसेस, यानी कभी कभी आई नो द बॉय अबाउट whom you are talking, या whom, who are you talking about, ऐसे about पीछे लगाएं या पहले लगाएं, इनकी चार conditions हैं, और इन चारों conditions को बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आ जा बेटिया मेरी शिवानी, अरे क्लास हो रही है बेटा, आदाब जी मैम, आयशा महीन मैम, देखो ये चार conditions है बेटा, कौन कौन सी है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस अगर हैं, यानी हु से शुरू है, जैसे जैसे एग्जांपल दिया, हु इज द प्रेजेंट फॉर, हु इज द प्रेजेंट फॉर, अब यहां हु ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए क्योंकि फॉर यहां पर पीछे दिया है और ये फॉर लगा उसी हु के लिए है, लेकिन ये उसके पीछे तो नहीं है ना, ये तो खुद पीछे लगा हुआ है, इसलिए फॉर का जो यहां ये हु है ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, यहां समझ रहे हैं भैया, भैया भैया ब्रजलाल जी कैसे हैं आप। और एक तो ये हो गया, अभी चारों को डिटेल में समझाएंगे, अभी शुरू कर रहे हैं बेटे, बिल्कुल परेशान मत होना। रिलेटिव स्ट्रक्चर जब बनता है, जोज द पर्सन, जोज द पर्सन का मतलब जो इज द पर्सन, फॉर्मली लिखे तो जो इज द पर्सन दैट आई एम एंग्री विद, दैट आई एम एंग्री विद, ये पर्सन है और मैं एंग्री हूं, तो यह जो विद लगा है ना बेटा, ये विद एक्चुअली एंग्री के साथ लगा है, लेकिन ये है किसके लिए, पर्सन के लिए, यानी ये पर्सन इस विद के बाद लगा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, अगर जो इज द पर्सन विद दैट आई एम एंग्री, तो लिख सकते हैं कि नहीं, इस पर आगे चर्चा करेंगे, इसको पीछे ही लिखेंगे क्या, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पैसिव सेंटेंस अगर कोई बना है, अभी तो दो तरीके हुए, हु इज द प्रेजेंट फॉर, यहां प्रपोजिशन, ये विद प्रपोजिशन, दो तरीके के प्रपोजिशन देखा। अगर सेंटेंस पैसिव है तो भी हम अंत में प्रपोजिशन रख सकते हैं, इस तरह, शी लाइक्स टू बी लुक्ड, टू बी लुक्ड एट, उसकी तरफ कोई देखे, यानी वो पसंद करते कि उसको कोई देखे, तो यहां एट हमने लाइक्स ये लुक के लिए लगाया है, लेकिन एट की तरफ, एट उसका ऑब्जेक्ट सी है, वहां ऑब्जेक्ट क्या है उसका, सी है। हाँ जी बेटा, माइकल सान से ही तो है, मैं उन्हीं की बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूं बाबू, मैं समझा रहा हूं आपको, हाँ ये सब समझाऊंगा बाबू, बढ़िया से समझाएंगे उमेश भैया, बिल्कुल एकदम सीट बेल्ट टाइट करके बैठो लल्ला। इन्फिनिटिव, अगर कहीं इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है इसी तरह का, जैसे ये इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर था, यहाँ ये पैसिव भी था लेकिन स्ट्रक्चर तो इन्फिनिटिव ही था। कभी कभी कोई चीज होती है उसको हम किसी मकसद के लिए यूज करते हैं और एक टैग की तरह इन्फिनिटिव को उसके पीछे लगा देते हैं, तो जैसे वो इन्फिनिटिव आएगा तुरंत उसके बाद एक प्रपोजिशन आ जाएगा, टू लिव इन, तो लिव के साथ इन आता है, लेकिन ये इन किसके लिए है, ये विलेज के लिए है, इन विलेज है ना, ये इन द विलेज है, ये इन द विलेज है, इन द विलेज इज प्लीजेंट टू लिव, इन द विलेज इज प्लीजेंट, समझ रहे हैं बात, तो ये विलेज के लिए लगा है, लेकिन यहां पीछे टिका दिया इसको, तो
तो क्या हम इसको आगे करके लिख सकते हैं कि नहीं, ये आगे वन बाय वन डिस्कस की जाएंगी चीजें, और जितनी आपकी समझ में आएंगी उतनी ही बताई जाएंगी। समझ नहीं आ रही है, अभी फिर से देखना, इसको दोबारा देखना वीडियो। अब हम इन चारों चीजों को WH टाइप क्वेश्चंस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के अंत में जो प्रीपोजिशन लगता है उसको, रिलेटिव स्ट्रक्चर यानी दैट, हु, हुम, हुज अगर बीच में लगे हैं तो इस प्रीपोजिशन की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये, और ये सी लाइक्स टू बी लुक्ड ऑन यानी पैसिव सेंटेंस अगर बन गया है तो उसमें अंत में प्रीपोजिशन कैसे लग सकता है ये, और अगर इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है, ये पैसिव इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, अगर इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है तो अंत में इन किन किन स्थितियों में और किन किन वर्ब्स के साथ लग सकता है, ये अब वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। रमेश भैया कह रहा हमें भी समझ नहीं आ रहा। तो मेरा बच्चा रमेश भैया सुनो, अब हम तुका बताए थे। हम ये कह रहे हैं हमने शुरू किया है पढ़ाना प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में आप सब जानते हो छोटी छोटी बातें जो हमने बताई शुरुआत में, वो भी नहीं समझ में आई क्या बेटा? मैंने बताया कि प्रीपोजिशन का काम है किसी एक एलिमेंट को, वर्ड को किसी अपने नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करना, ठीक है। तो यहां पर जो माइकल स्वान ने अपने स्टाइल में कहना शुरू किया है तो थोड़ा लेबल से शुरू किया है, इसलिए आपका पोंगा हो रहा है, तो आपके पोंगे के साथ मैं हूं ना, उसको पोंगा बना देंगे खुद ही, समझो तो बात को हमारे। तो जो यहां पर पहली शुरुआत में, मैंने इसको फिर पढ़ा देना है, दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, ये कह रहा हूं जो माइकल स्वान ने इसको शुरू किया है, तो उन्होंने शुरू किया है इस तरह से कि जैसे कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो स्थिति क्या होती है? वो स्थिति ये होती है कि प्रीपोजिशन के बाद हम बताते हैं सभी लोग कि उसके बाद तुरंत नाउन प्रोनाउन आएगा, तभी वो प्रीपोजिशन उससे उसको रिलेट कर पाएगा। होता क्या है, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में प्रीपोजिशन लग जाता है। कहां लग जाता है? लास्ट में। तो जो पहली स्थिति माइकल स्वान ने यहां पर शुरुआत की है, मैं हूं ना, आपको कठिन नहीं लगने दूंगा मेरे बच्चे रमेश भैया, मैं क्या कर रहा हूं, जो लास्ट में प्रीपोजिशन खत्म होते हैं, आपको वहां टेंशन होती है ना बेटा, जहां लास्ट में प्रीपोजिशन टू पे खत्म हो गया, फॉर पे खत्म हो गया, ऑफ पे खत्म हो गया, फॉर पे खत्म हो, किसी भी विद के साथ खत्म हो गया, तो एक्चुअली जो विद, टू, फॉर, जहां पर प्रीपोजिशन खत्म होते हैं, सेंटेंसेस खत्म होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, उससे पहले प्रीपोजिशन लगा और सेंटेंस खत्म हो गया, तो ऐसे ये प्रीपोजिशन का रिलेशन अपने पहले उस सेंटेंस में कहीं पर यूज्ड एक नाउन प्रोनाउन के लिए होता है, उस एलिमेंट या एडजेक्टिव के लिए होता है, कोई एलिमेंट और भी हो सकता है, हो सकता है किसी एडजेक्टिव के लिए हो, उसी सेंटेंस में यूज्ड। अब ये बात तो समझ में आ रही होगी ना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं मैं, यानी लास्ट में यूज्ड प्रीपोजिशन उसी सेंटेंस में किसी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए लगा है, यूज किया गया है, और ये मैं समझाने के लिए बैठा हूं ना। समझ रहे हैं कि बेटा, हम सब समझाएंगे रत्नेश। हाँ, जैसे हम कहते हैं व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, तो सर्चिंग के साथ फॉर लगेगा ही लगेगा। अब ये जो फॉर लगाया यहां पर, ये जो फॉर लगा अंत में, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर में जो फॉर लगा, तो फॉर का किसके लिए लगा है? फॉर लगा है वो जो व्हाट लगा है वहां पर, ये देखो यहां पर, देखो सेंटेंस देखो बेटा, तो ये मैं यही तो समझा रहा, देखो ये एट किसके लिए लगा है, ये एट किसी के लिए लगा जरूर है, किसके लिए लगा देखो बेटा, ये एट लगा है व्हाट के लिए। अच्छा, व्हाट किसके लिए लगता है बेटा? देखो बड़ी बातें समझने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, और वो मैंने दिया ना तुमको बेटा, मैंने इतना तुमको बढ़िया से समझाने का, जानते हो मैं इतना बढ़िया समझा दूंगा आप बिल्कुल समझ जाओगे, हर वर्ड का किसी न किसी से रिलेशन होता है मेरे लाल। तो ये एट जो यहां लास्ट में हमने लगा दिया, सेंटेंस खत्म कर दिया यहां पे, अब तुमको देखना यार गलत है कि सही है, तो आप ये देखो कि जो एट अंत में लगा है ना, वो किसी न किसी के लिए लगा है, ऐसे ही तो नहीं लग जाता है एट, तो एट लगा है ये व्हाट के लिए, और व्हाट किसके बदले में लगता है? नाउन के बदले में लगता है, प्रोनाउन के बदले में लगता है, और व्हाट से ऑब्जेक्ट मिलता है किसी भी एक्शन का। तो यहां पर जो एक्शन हो रहा है, आर यू लुकिंग, ये लुकिंग, लुकिंग का ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये बोलो, ये लुकिंग का बेटा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन होता है, उसी नाउन प्रोनाउन के बदले में प्रश्न बना करके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनाकर इसको यूज किया गया, इसको एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट जो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जिसकी ओर देख रहा था वो, उसके बदले में
प्रश्न उसी के बारे में पूछने के लिए व्हाट का यूज किया गया है, तो व्हाट इसीलिए एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये इंट्रोगेट कर रहा है ऑब्जेक्ट कहां है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट कौन है, तो उसी को बना दिया ऑब्जेक्ट, तो ये जो व्हाट है इसी के लिए ये एट लगा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो यहां पर देखो ये एट लगा है, यहां लुक एट, तो लुक एट समबडी कोई होगा, यहां समबडी है कि नहीं है, लुक एट समबडी, तो ये समबडी देखो इसी सेंटेंस में कहीं होगा, कहां है, सी लाइक्स, ये सी को ही तो देखेगा, वही तो पसंद करती है कि कोई उसकी ओर देखे, टू बी लुक्ड एट, टू बी लुक्ड एट, वो चाहती है कि लोग उसकी तरफ देखें, टू बी लुक्ड एट, समझ रहे हैं ना, पूरा समझो पूरा समझो पूरा समझो, सब समझा देंगे। अरे फिक्स नहीं है यार, कौनो फिक्स कुछ होता है, कौनो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है बेटा यार, कौनो फिक्स नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है, यही तो यहां समझा रहा हूं तुम, बताओ फिक्स है लुक के साथ, फिर एट फिक्स है, और लुक आफ्टर लगा दे तो वो फिक्स है, नहीं कोई फिक्सिंग नहीं होगी यहां, कोई किसी प्रकार की फिक्सिंग नहीं, फिक्सिंग प्रपोजिशन का मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात, रिलेशन आपको देखना है उस नाउन का, प्रोनाउन का जो प्रपोजिशन जिसके लिए लगा है उसका रिलेशन क्या है उस प्रपोजिशन के पहले यूज्ड ऑब्जेक्ट किसी एलिमेंट से, इस प्रपोजिशन के पहले लगा है लुक, लुक एक क्रिया है, जो देखने की क्रिया हो रही है वो एट व्हाट हो रही है, एट व्हाट हो रही है, जिसकी तरफ वो देखता उसी के बारे में प्रश्न पूछ रहा, व्हाट आर यू लुकिंग एट, बात समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आएगा, सब आएगा बेटा, हम है ना, हम बैठे यहां करें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब हिंदी आ दिया। अब देखो, अब ये देखो रिलेटिव स्ट्रक्चर, अगर किसी सेंटेंस में कोई मान लीजिए सेंटेंस बोला हमने, फिर उस सेंटेंस का एंड हमने किसी नाउन प्रोनाउन या किसी पार्ट ऑफ स्पीच तो होना ही है, अक्सर सेंटेंसेस फ्रेजेस पे खत्म होते हैं और फ्रेजेस नाउन प्रोनाउन पर खत्म होते हैं और फ्रेजेस बनते हैं प्रीपोजिशन से, तो लास्ट का वर्ड ज्यादातर नाउन प्रोनाउन होता है। मान लीजिए उसी नाउन प्रोनाउन के संबंध में आगे हमें जानकारी लेनी है सेंटेंस में, अबाउट, अबाउट या टू या विद, कोई भी जानकारी ऐसी है जो पहले सेंटेंस में, जो सेंटेंस खत्म हुआ उसके बाद हमें उसकी जानकारी लेनी है, तो हम क्या करते हैं, तो जानकारी वाला फ्रेज लगाते हैं, क्लॉज लगाते हैं, तो वो फ्रेज और वो क्लॉज जो भी लगा होगा वो उस प्रीपोजिशन के द्वारा पहले सेंटेंस से रिलेट किया जाएगा, तो अगर वो आगे वाला क्लॉज होगा तो क्लॉज होगा तो दैट और हुम कुछ ना कुछ लेगा, तो वो पूरा का पूरा क्लॉज पहले सेंटेंस के बीच में प्रपोजिशन लेगा और वो प्रपोजिशन ही पहले सेंटेंस के अंतिम वर्ड नाउन प्रोनाउन का रिलेशन प्रपोजिशन के द्वारा अपने बाद वाले क्लॉज या फ्रेज जो भी होगा वहां उससे हो जाएगा, नाउन प्रोनाउन होगा तो उससे हो जाएगा। तो अगर रिलेटिव क्लॉज कोई पीछे लगा है तो वह रिलेटिव क्लॉज का प्रपोजिशन के द्वारा रिलेशन पहले सेंटेंस के अंतिम वर्ड से होगा, समझ रहे हैं? ये पढ़ाया ग्रामर से पहले जैसे प्रोनाउन पढ़ा दीजिए, हाँ पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे, लेकिन अरे पढ़ लिया दिया काहे परेशान हो, अब हम जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी, हम जो समझा रहे हैं उसको समझो पहले, प्रोनाउन प्रोनाउन जप रही है नालायक, बैठी है क्लास में प्रीपोजिशन की और प्रोनाउन पढ़ा दो, आप प्रीपोजिशन छोड़े और प्रोनाउन की पीपीटी लेके आए और कल से वही शुरू करें, शुरू हो गया तो शुरू हो गया, उसको चलने दो और उसमें ध्यान लगाओ नालायक, इतनी गंभीर बातें कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, अब फिर बिखर जाएंगे मामला, तुरंत गुस्सा आएगी बिल्कुल, अरे समझे कि नहीं भैया, कुछ कुछ आ रहा है तो भैया तो हम पूरा समझा लेंगे, हमारे तो दम है, हमें बोलने की क्षमता है, समझाने की क्षमता है, सब एग्जाम्पल देंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखो जो हमने बताया उसका, जोज पर्सन, ये हमने सेंटेंस कहा यहाँ, जो इज द पर्सन, सेंटेंस उन्होंने क्या कहा, जोज में तुमको दिक्कत लग रही तो जो, यहां लिख लें सतेंद्र मिश्रा, वाह वाह सतेंद्र, अब ठीक है, सतेंद्र इज द पर्सन, अब हमको सतेंद्र के बारे में कुछ कहना है, सतेंद्र के बारे में हमको कुछ कहना है, कुछ भी कहना है, जिसके सतेंद्र एक पर्सन है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे,
हम लोग बात कर रहे थे, ये फ्रेज है कि नहीं, पूरा का पूरा फ्रेज है। और ये फ्रेज सत्येंद्र मिश्रा के बारे में कुछ कह रहा है, बारे में कुछ कह रहा है, तो बारे में कह रहा है तो बार लगा दो, बार का मतलब क्या हो गया, अबाउट हो गया। अबाउट जिसके, अबाउट हुम, अब अबाउट लगा तो वहां जो भी जो भी जो भी रिलेटिव क्लास के लिए जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, हु तो लगेगा ना, अबाउट लग गया ना, तो अबाउट, अबाउट के बाद देखो बेटा इसको हम 20 बार समझाएंगे तुमको दिक्कत का है, तो हमको हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बस समझा क्षमता रखना है। देखो अबाउट, अब यहां लगाया हमने तुरंत हुम, अबाउट हुम यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, देखो ये बन गया कि नहीं बन गया। अब टॉकिंग, अब टॉकिंग के साथ अगर हम टू लगा दें तो ये अबाउट गड़बड़ा जाएगा मामला, अब दो प्रपोजिशन एक के साथ नहीं हो सकते, टॉकिंग अबाउट है, टॉकिंग टू नहीं है। तो अगर हम यहां पर्सन के बजाय टू लगा दें, पर्सन के बाद यहां अबाउट के बजाय टू लगा दें, अब सेंटेंसेस का मीनिंग और रिलेशन चेंज हो गया बच्चा। देखो देखो चेंज हुआ कि नहीं, कह रहा है सत्येंद्र इज द पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग, टू हुम यू आर टॉकिंग, टू हुम यू आर टॉकिंग, यानी तुम उसी से बात कर रहे हो, सत्येंद्र वो व्यक्ति है। और अगर वहां अबाउट लगा दिया रिलेशन तुरंत चेंज हो गया, तब हमने क्या कहा, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, अब अबाउट की वजह से वहां सत्येंद्र के बारे में बात हो रही, वो ऑब्जेक्ट हो गया, और वरना सत्येंद्र इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सत्येंद्र इज द पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग टू, टू हुम यू आर टॉकिंग, तो किन कंडीशन में टू हुम यू आर टॉकिंग हो सकता है, किन कंडीशन में हुम यू आर टॉकिंग टू हो सकता है, किन कंडीशन में अबाउट हुम यू आर टॉकिंग टू हो सकता है, किन कंडीशन में हु यू आर टॉकिंग अबाउट सही हो सकता है, ये चीजें आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा समझ में आया बेटा लल्ला? अरे थोड़ा समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, जिससे तुम ही बात कर रहे तो टू लगा दिया तुरंत, वो ऑब्जेक्ट बन गया टू का, तो टू से देखो रिलेशन चेंज होगी कि नहीं होगी चेंज। और अगर अबाउट लगा दो वहीं पर, तो अब ये कंडीशंस क्या पढ़नी बेटा, बहुत गजब की चीजें पढ़नी है हमको। प्रपोजिशन शुरू किया तो कायरा गहरा ना, तो कायरा चैप्टर, दुनिया पूरी प्रपोजिशन पढ़ाती है, हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा अलग प्रकार से होगा ना। प्रपोजिशन की हम वो चीजें पढ़ाएंगे जो तुमको टेंशन देती है, है ना, हम उसकी चीजें पढ़ाएंगे जो तुमको टेंशन देती है। अब घुसा दिमाग में नहीं घुसे तो हम और समझाएंगे। हाँ इतना सा आया, हम इतना सा और आ जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा प्रयास करके सब बिल्कुल अंदर डाल देंगे दिमाग में एकदम बेटा। थोड़ा सा आया, तो देखो यहाँ टू और फर्द, तो अब इनको डिटेल में समझते हैं, चलो एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं सब हिंदी याद दूंगा पूरा। देखो लिखा है, व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, व्हाट है, तो व्हाट क्या था बेटा, देखो ये व्हाट क्या था, ये व्हाट इस एट का ऑब्जेक्ट था, बोलो था कि नहीं। ये व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड ये इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, ये कंडीशन बनती है। द प्रपोजिशन मोस्ट ऑफन कम्स एट द एंड ऑफ द क्लॉज, ये नियम तुमको याद रखना है। तो जब कोई क्वेश्चन वर्ड किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसके बारे में ही बात की जाएगी वहां क्वेश्चन वर्ड के बारे में, तो ये अक्सर व्हाट से बनते हैं, ठीक है ना, हुम से बनते हैं। अभी देखना, एट द एंड ऑफ द क्लॉज स्पेशली इन फॉर्मल यूजेस, इन फॉर्मल यूजेस हम अंत में ही रखते हैं। फॉर्मल यूज में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टू व्हाट आर यू लुकिंग, ठीक है ना, ये कैपिटल हो जाएगा, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, और ये फॉर्मल सेंटेंस है, हुम इज द पर्सन, हुम इज द पर्सन, ये कौन है जो इज एक्सट्रीमली फॉर्मल, ये पूरी तरह से, अगर हुम लगा दे तो ये फॉर्मल हो जाएगा, हुम लगा दे टू व्हाट। अब यहां हु देखना, अभी नीचे आगो
ये हु लगा है यहां ना, ये हु वाला, तो हु इज द प्रेजेंट फॉर, और अगर ऐसे करें हुम इज द प्रेजेंट, हुम इज द प्रेजेंट और फॉर लगा दें इसके पहले, तो ये फॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा और ये इनफॉर्मल हो जाएगा। यानी अगर आप बोलचाल में यूज करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लिखना चाह रहे हैं तो ये सेंटेंस बेटर है। कौन? हुम इज द प्रेजेंट, फॉर हुम इज द प्रेजेंट, ये इनफॉर्मल, ये फॉर्मल सेंटेंस। इसी तरह ये देखो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये दोनों सही है। ग्रामेटिकली आपको समझने की जरूरत है ना, फॉर्मल ना इनफॉर्मल, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, ये ग्रामेटिकली बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। एंड इफ यू फाइंड एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ब, यू कैन टेक इट राइट, यू कैन टेक इट करेक्ट। समझ में आ गई बात? हाँ, एट आएगा अंत में और अंत में ही आएगा। कौनो बात नहीं, हम सब खिचड़ी तुम्हारे पका देंगे बिटिया। तो दो सेंटेंस समझ में आए तब हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए बात को? यानी व्हाट आर यू लुकिंग एट इज आल्सो करेक्ट, टू व्हाट आर यू लुकिंग आल्सो करेक्ट, ये दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हैं। ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, बोलचाल में हम इसको यूज कर लेते हैं इनफॉर्मली और इसको हम फॉर्मली यूज करते हैं। दोनों, बोथ द सेंटेंसेस आर, अगर आपके एग्जाम में आया है तो ये दोनों जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, चिंता न करो, हम सब क्लियर कर दे। तुम चाहते हो कि दिमाग पे जोर न पड़े और दिमाग भी यही चाहता है। देखो, ये मत भूलना कि दिमाग नहीं चाहता है, तुम चाहते हो क्योंकि दिमाग चाहता है। दिमाग चाहता है कि कोई कठिन चीज सामने ना आए, कोई ऐसा वर्ड मेरा दिमाग यही कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि अगला पेज मैं खोलूं जब किसी भी किताब का, तो उसमें कोई मीनिंग मुझे गूगल न करनी पड़े, कोई मीनिंग मुझे देखने न पड़े, मेरा मन तो यही कहता है ना। तो मैं कोशिश यही करूंगा ऐसे वर्ड आए सामने जिनको मैं देखना न पड़े। लो, अब अगर ऐसा कर दोगे तो तुम सीखोगे कैसे? सीखना तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो दिमाग तुम्हारा तुम्हारे पे हावी होता, अरे यूं नहीं समझ में आता, नहीं 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 सर जी नहीं समझो बेटा, उसे समझना है, नहीं ये नहीं समझ में आ रहा, मारे तमाचा खींच के। समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वही चीजें तो समझाना है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। जो चीज तुम पहले समझ ले तो उसको हम पढ़ाए पोजिशन बैठ के, इसके लिए ये लगता है, इसके लिए ये लगता है, इसके ऐसे 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 पढ़ाते हैं। अब ये का लिख डाले तू, लिखा टू व्हाट आर यू डूइंग फॉर, हे भगवान, ये काहे आगे फॉर पीछे, तू किसके के लिए लगा है? अब देखो, हु डिड यू गो विद, देखो बेटा यहां कर दिया ये, और अगर इसी को हम ऐसे लिख दे, विद होम डिड यू गो, तो ये सेंटेंस सही है, ये भी सही है। यानी बोध, अब यहां हुम क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ गया साथ में सबसे पहले, और तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा तुरंत। जैसे हम कहें वेयर डिड सी बाय इट फ्रॉम, तो अगर इसको सेंटेंस को ऐसे लिख दें हम, फ्रॉम वेयर डिड सी बाय, किनको किनको नहीं लिखना है ऐसे, ये नोट करना पड़ेगा आपको बढ़िया तरीके से, बढ़िया एक एक चीज बढ़िया से बनाइएगा, और ये आपके पास बुक तो आपने खरीद ली होगी, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर, ये माइकल स्वान के सारे चैप्टर नहीं तुमको पढ़ाएंगे, वो कैप पोर्शन पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, हालांकि पढ़ाने वाले तो सारे के सारे ही हैं, बिल्कुल जबरदस्त है बिल्कुल, तो कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो फ्रॉम वेयर डिड सी, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। जैसे हम कहें विच फ्लाइट इज द जनरल ट्रेवलिंग ऑन, तो ट्रेवलिंग के साथ ऑन लगा है, रिलेट किसको कह रहा है ये? जनरल को, जनरल ही तो ऑन ट्रेवलिंग ऑन है, तो यहां पर ऑन को हम ऑन विच, हाँ सॉरी, ये ऑन किसके लिए? ये फ्लाइट के लिए है, और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगा है यहां पर, वो जो फ्लाइट के लिए इंडिकेट कर रहा है एडजेक्टिव उसका बता रहा, तो ये ऑन का ऑब्जेक्ट यहां पर दिया, ये नहीं है, ये जनरल ट्रेवलिंग ऑन फ्लाइट, समझ गए ना। तो अगर विच ऑब्जेक्ट है, ये विच एक्चुअली यहां विच ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि विच प्लस लाइट दोनों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर विच एक एडजेक्टिव है, यहां विच एक
एडजेक्टिव है बेटा, क्या है विच, क्या है विच, एक एडजेक्टिव है यहां, विच एक एडजेक्टिव है और फ्लाइट एक नाउन है और ये दोनों मिलकर के ये ऑब्जेक्ट बने हैं किसका, ऑन का। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म, फिल्म्स है ये, फिल्म्स आर यू इंटरेस्टेड इन, तो इंटरेस्ट आपको है तो इंटरेस्ट के लिए हमने इन लगाया, इंटरेस्ट इन ही लगता है। अब कहो इसको फिक्स कर देना, रिलेशन देखो उसका, इंटरेस्ट इन फिल्म, तो ये फिल्म है इसका ऑब्जेक्ट। फिल्म केवल अकेला नहीं है बल्कि व्हाट काइंड ऑफ नाम का एक फ्रेज इसके पहले लगा हुआ है जो उसका क्वालिटी पूछ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ यानी विच फिल्म, विच टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ फिल्म इंटरेस्टेड इन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस दशा में हमने इन को क्या किया है, ऑन को क्या किया है, फ्रॉम को क्या किया है, विद को क्या किया है, पीछे यूज कर लिया है और ये बिल्कुल करेक्ट वे है यूज करने का। अरे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मार्क क्यों नहीं लगाएंगे, ये तो लगेगा रहेगा। इंट्रोगेटिव मार्क से बिटिया का मतलब है दीदी, इंट्रोगेटिव मार्क तो इस स्ट्रक्चर की वजह से लगा है मेरे लाल, ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, ऐसे लगा कि नहीं लगा, तो ये तो स्ट्रक्चर की वजह से। ना 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 ना, विच नहीं, विच नहीं, विच लगाओगे तो काइंड की जरूरत नहीं है, विच लगाओगे तो काइंड की जरूरत नहीं है, विच बुक ही काफी है, विच फ्लाइट ही काफी है, विच फ्लाइट बराबर व्हाट टाइप ऑफ फ्लाइट, बात समझ रहे हैं, व्हाट विच काइंड ऑफ नहीं, व्हाट काइंड ऑफ लगाइए आप, विच ना लगाइए। दिस इज आल्सो, दिस आल्सो हैपेंस इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू क्वेश्चन। अब इनडायरेक्ट में जो क्वेश्चन होते हैं डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच क्वेश्चन टाइप होते हैं, एंड इन अदर वॉट क्लॉजेस, और वॉट के साथ जो क्लॉजेज आते हैं, ठीक है, अब इनको डिटेल में समझेंगे। वॉट के क्लॉजेस, वॉट के साथ वाले क्लॉजेस, मान लीजिए पहला सेंटेंस है इसके बाद वॉट वाला क्लॉज दिया है, तो उस वॉट वाले क्लॉज के एंड में प्रीपोजिशन लगाएंगे या उस वॉट वाले क्लॉज के पहले लगाएंगे, पहले वाले सेंटेंस से, है ना। जैसे हम कहें टेल मी, ये देखो ये हमारा मुख्य क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ, एमसी हुआ, ये मेन क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ, मुख्य क्लॉज है ये, ध्यान से सुनो केवल। अब आओ टेल मी, ठीक है, तो व्हाट यू आर वरीड अबाउट, अब इस अबाउट को हम यहां लगाएं, टेल मी अबाउट व्हाट यू आर वरीड अबाउट, ये व्हाट अबाउट व्हाट यू वरीड, ये देखो व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रबल आई एम इन, तो आई एम इन, इनका ऑब्जेक्ट कौन है, ट्रबल, और व्हाट अ लॉट ऑफ, ये इसका फ्रेज है पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम इन ट्रबल, व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल या व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्या कितनी ट्रबल है मेरे पास, कितनी ढेर सारी ट्रबल है मेरे पास। अब जरा देखो, सम क्वेश्चंस कंसिस्ट सिंपली ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रपोजिशन, कभी कभी सिर्फ इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड के साथ प्रपोजिशन का यूज कर लेते हैं, जैसे व्हाट विद, व्हाट फॉर, बस ये इतना बोला, कोई बातचीत चले फॉर व्हाट या व्हाट फॉर या फॉर हुम या हु फॉर, हु फॉर या फॉर हुम, जैसे ही पहले करेंगे तुरंत ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, इस तरह से भी हम यूसेस कर लेते हैं। हाउएवर दिस स्ट्रक्चर इज अनयूजुअल व्हेन देयर इज अ नाउन विद क्वेश्चन वर्ड, विद द क्वेश्चन वर्ड, अगर ये क्वेश्चन वर्ड के साथ एक नाउन भी आ जाए तो यही क्वेश्चन वर्ड आप जानते हो ये प्रोनाउन नहीं रह जाएगा बल्कि ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे हम कहें व्हाट मनी, अब इसको हम व्हाट मनी विद नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा, विद व्हाट मनी, यानी प्रीपोजिशन को हम पहले ले लेंगे फिर व्हाट लगाएंगे और फिर हम मनी लगाएंगे, हम मनी को विद से अलग कर देंगे। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, विद व्हाट मनी या व्हाट मनी विद, ये सही नहीं है और ये सही है, लेकिन सीधे हम व्हाट और हु के साथ हम उचित प्रपोजिशन लगा सकते हैं,
जैसा हमारा सेंस होगा। हां, हु आर यू वेटिंग फॉर, ऐसे कर दें, फॉर हुम यू आर वेटिंग, ये दोनों सेंटेंसेस सही, फॉर हुम आर यू वेटिंग, ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ठीक है, चले अब देखें हम रिलेटिव क्लॉज। तो ये पहली चीज समझ में आ गई, बिल्कुल इसको दोबारा देखना, दोबारा समझना अगर कहीं दिक्कत आए कोई। पहला जो हमने रूल पढ़ाया है वो क्या है, वो है किसी भी क्लॉज के अंत में प्रपोजिशन कब लगता है। तो प्रपोजिशन कब लगता है का पहली कैटेगरी ये है कि जब व्हाट के साथ या विच के साथ हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है और वह विच और व्हाट अपने बाद एक प्रपोजिशन लेता है, और वह प्रपोजिशन लास्ट में लगा सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं जो व्हाट और विच दिए है। तो विच और व्हाट वाले सेंटेंसेस के लास्ट में प्रपोजिशन लगता है, ये पहली चीज आपने समझ ली। अब दूसरी है रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, समय देखे रहना। समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप मोबाइल बंद कर दो थोड़ी देर के लिए और सो जाओ, फिर उठना तब इसको देखना दोबारा फिर से। बात समझ गए हमारी पूरा। हाँ, विच बराबर व्हाट काइंड ऑफ, विच सिलेक्शन अकेला दिखाता है ना, विच अकेला सिलेक्शन दिखाता है। हाँ, फॉर हुम आर यू वेटिंग, बिल्कुल ये प्रपोजिशन देखो आ गया पहले। अब इसको ऐसे कर सकते हो, हु आर यू वेटिंग फॉर, हु आर यू वेटिंग फॉर, कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, ये आपको वहां पर जो नाउन दिया है उसके लिए, क्या आप चाहते हो, किसके लिए वेट कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, किससे बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है। तो किससे बात करनी है तो टू हुम, किसके बारे में करनी है टू अबाउट, अबाउट हुम, है ना, बात समझ रहे हैं, ये बात बेटा। वहां पर प्रपोजिशन विच और व्हाट के साथ टू फॉर विद इसी तरह के लगते हैं, किसके साथ आ रहे हो, किसके लिए खरीदा है, किसको दोगे, है ना, तो किसको, किसके लिए, किसके साथ, तो यहां टू फॉर विद अबाउट इस तरह के प्रपोजिशन से ही तीन चार आते हैं मैक्सिमम। तो इनको आप समझ लो कि जहां पर जैसा रिलेशन हो उसी तरह से लगाएंगे। हमने एग्जांपल्स आपको बताए हैं ऊपर, यहां पर देख लो फिर से, है ना, व्हाट विद, क्या चीज किसके साथ खाओगे, हु फॉर किसके लिए लाए हो, या फॉर हुम, है ना, हु फॉर या फॉर हुम, एक ही बात है। ये जो स्ट्रक्चर दिए हैं यहां पर, ये वाले इनको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, यो हू फॉर, मैं किताब लाया हूं आज, हू फॉर, आपने पूछा हू फॉर, तो मुझे फॉर बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि हू से उसने प्रश्न पूछा है। तो ये क्या है, हू हैव यू ब्रॉट द, ब्रॉट द, अरे ब्रॉट है लिखे, Who have you brought this book for? देखो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये है पूरा सेंटेंस, बना के नहीं बना, इसी का who for का हमने बना दिया, तो who बीच में पूरा सेंटेंस for, तो who for है ना बेटा ये, तो who have you brought this book for, अगर इसे whom से लिखे हम, इसी को whom से लिखे, तो whom, जैसे ही हुम आएगा शुरू में तो ये फॉर पहले लेगा जब, तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, हुम आ जाएगा, हु नहीं रह जाएगा, यही हु जो है ये हुम बन गया है, क्योंकि ये फॉर का ऑब्जेक्ट हु ही तो है, किसके लिए लाए हो, तो ये हु कौन नहीं है यहां, किसके है, क्योंकि वहां फॉर ने उसको डोमिनेट करके रखा है, तो हु फॉर ये है। बेटा अलग नहीं करेंगे तो आपको हर बार पश्चाताप होगा कि यार हम तो बिस्वानी सर के चक्कर में फंस गए, हमको तो कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, और आपको मैं हैरान कर दूंगा, परेशान कर दूंगा, आपको मैं टॉप लेवल की चीजें सिखाऊंगा, बस इतना ही इच्छा है मेरी, समझिए। फॉर हुम
अब बनाओ इसको सेंटेंस को, देखो फॉर हूम पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाएगा, फॉर हूम हैव यू ब्रॉट दिस बुक, दिस बुक ये बन गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, बस ये है कहानी। देखो ये नहीं समझ पाओगे तो आगे बहुत कठिन आएगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा चाहे हमको दो ही सेंटेंस पढ़ाऊं मैं पूरे घंटे में। हाँ पैसू में भी लगता है, वही तो है पैसू में, जो पहले ले आओगे हु के पहले ले आओगे तो जैसे हु है तो तुरंत हुम में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, आएगा ना प्रतिभा मैम। जड़ बुद्धि है तो थोड़ा थोड़ा हमको, वो कहते ना मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम, तो आप मूर्ख तो नहीं हो ना, तो मैं तो हूं ना यहां पर समझाने के लिए, बस बात खत्म है बेटा। लो वैसे नहीं करवा रहे हैं क्या, नाउन फंडामेंटल करवाया बेटा, हम उसे हर चैप्टर वैसे ही पढ़ाते हैं, तुमको नहीं दिखाया हमने वैसे ही पढ़ाया, तुमको कोई शिकायत का मौका देंगे नहीं कभी हम, सब समझ में आएगा बेटा राकेश। चलो ठीक है अब आ जाओ रिलेटिव क्लास पे, अब बहुत ध्यान से सीट बेल्ट को टाइट कर लो, यही हु और जितने सेंटेंसेस अभी आपने देखे वो सारे सेंटेंसेस अगर अपने पहले भी एक क्लॉज ले लें तो प्रोपोजिशन की स्थिति क्या हो सकती है, क्या उस क्लॉज के पहले लग सकता है, यानी यही स्ट्रक्चर के पहले एक क्लॉज आ जाए तो स्थितियां क्या बनेंगी और कैसे कैसे हम उनको फॉलो करेंगे, ये आपके सामने ये रहा रिलेटिव क्लॉजेस। बहुत ध्यान से समझिए, द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट, दिस इज द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट, ठीक है तो ये जो हाउस है ये इस अबाउट का ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, जैसे हम कहें इसको आई टोल्ड यू अबाउट द हाउस। अब इसी को हम एक्सपेंड कर दें, कैसे एक्सपेंड कर दें, इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर दें, दिस इज द हाउस अबाउट दैट आई told, I told you, है ना बेटा समझ गए बात को, तो ये जो about है ना ये house के लिए ही तो लगा है, this is the house, about के बाद पूरा relative clause आ गया ये, तो ये relative clause में जो भी चर्चा की जा रही है वो चर्चा एक्चुअली इस प्रपोजिशन के जरिए हो रही है और ये प्रपोजिशन बता रहा है कि चर्चा किस बारे में है, अबाउट है, बारे में है, चर्चा बारे में है, समझ रहे हैं बात को। व्हेन अ रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, जब एक रिलेटिव प्रोनाउन यानी दैट एक प्रपोजिशन यानी अबाउट का ऑब्जेक्ट होता है तो आल्सो ऑफन गोज एट द एंड ऑफ द क्लॉज especially in informal uses, तो informal uses में जब हम बातचीत में use करते हैं तो अक्सर preposition को last में लगाते हैं, both the ways are equally correct and can be used interchangeably, दोनों को interchangeably use किया जा सकता है, कौनो दिक्कत है हम दिक्कत के लिए खड़े नहीं है, ऐसे थोड़ी ना 8,000 रुपए ऐसे थोड़ी फीस लेते हैं, स्पेशली इन इनफॉर्मल यूसेस में। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, बस यही दो सेंटेंसेस समझा के खत्म करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो यहीं से इशू को फिर से कल समझाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो इज या इज है द पर्सन दैट आई एम एंग्री विद, तो एंग्री विद द पर्सन और द पर्सन है दैट, समझिए बात को, रिलेशन को समझिएगा बहुत अच्छे से बेटा, समझिएगा रिलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा गुरु गुरु, मजा तो तभी आएगा जब आप रिलेशन को समझ पाओगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, ये जो है मेन कहानी,
और ये एक पर्सन है, तो ये जो और पर्सन एक ही है, यहां पर इज लगा है जो कनेक्ट किए है। अब आगे जो भी बात हो रही है वह प्रपोजिशन के द्वारा रिलेट हो रही है। ये प्रपोजिशन जो अंत में लगा है आई एम एंग्री विद, तो आई एम एंग्री टू नहीं है वहां लगा। अगर यहां दिस इज द बुक या दिस इज द एक्शन हो जाता, अगर ये ऐसे सेंटेंस में लिखता, This is your action that I am angry. तो यहां angry के बाद जो भी preposition आता वो इस action की वजह से यहां at ले लेता, क्योंकि angry at action होता है, एंग्री एट एक्शन होता है। लेकिन यहां जो इज द पर्सन है और एंग्री के साथ पर्सन जब लेता है तो विद लेता है, इसलिए एंग्री के साथ विद ले लिया। और इस विद का ऑब्जेक्ट कौन है? ये पर्सन है। और पर्सन के लिए लगा प्रोनाउन कौन है? ये है। तो ये और ये दोनों एक ही है। एक्चुअली ये केवल जो ही तो है जो पूरे सेंटेंस में फैला हुआ है, उसी की तरह सारे इंडिकेशन हो रहे हैं। तो जो इज द पर्सन यानी कॉम्प्लीमेंट है, ये जो इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और इसके बाद इसी के बारे में जो बात करी जा रही है वो विद के साथ आ रही है, क्योंकि यहां पर जो ये एंग्री नाम का एडजेक्टिव लगा है एंग्री, वो पर्सन के साथ विद लेता है, तो एंग्री विद पर्सन, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर एक्शन एट दैट आई एम एंग्री। और इस सेंटेंस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जो इज द पर्सन विद विद दैट आई एम एंग्री। आप यहां दैट के साथ अलावा यूज कर सकते हैं हु, और यहां विद के बाद जब आएगा तो दैट का ऑब्जेक्टिव केस हुम ही होता है, तो यहां पर यूज करेंगे हुम। दैट के स्थान दैट इंडिकेटिव मूड में लगा है, आप वहां हुम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब यहां हम विद लगाएंगे तो विद हुम लगाएंगे, विद हुम आई एम एंग्री, दैट भी यूज कर सकते हैं और हुम भी यूज कर सकते हैं। अरे नहीं करेंगे प्राइवेट, लेकिन ये 100 लोगों को पढ़ाते हुए थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा। एक बार तो नालायक कभी सलाह करके हमारी क्लास में 200 आके मेरी इच्छा पूरी कर दो। नालायकी खूब करते हो, लेकिन एक बार हमको सरप्राइज दे दो कि सर आज देखो हम 200 लोग सलाह कर रहे हैं, आज हम 200 के 200 लोग आए हैं, 20-25 तब भी ना आए हमको कोई बात नहीं है, लेकिन 200 तो आए। ठीक है, मुझे जाना होगा, अगली क्लास का समय हो गया है, 10 मिनट बाद आऊंगा मैं। ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलो ठीक है, बेहतरीन, कमेंट करके जाइए, और ताकि हम अब पढ़ते ही खुश हो जाए मन हमारा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का विश्वानी क्लासेस पर। मेरा नाम अजीत यादव है और मैं अम्बेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि DSSSP TGT इंग्लिश से मैंने क्वालिफाई किया है, और उसका पूरा श्रेय जाता है विश्वानी क्लासेस और विश्वानी सर को, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में, माध्यम में, उनके गाइडेंस में रहकर मैंने सारी तैयारी की, सारी चीज़ें पढ़ी, और उन्हीं के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली TGT के 466 अनरिजर्व कैटेगरी में मेरा जो रैंक है 158वां रैंक है, और मेरा जो रोल नंबर है 11-230-5-40-94। फिर से बता रहा हूँ एक बार, 11-230-5-54-5,94,000 ये मेरा रोल नंबर है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की
समस्या है तो जाकर चेक भी कर सकते हैं, ताकि ये ना लगे कि ये वीडियो किसी प्रकार से फेक है, ये ऑथेंटिक वीडियो है। इसलिए मैंने अपना रोल नंबर बता दिया ताकि किसी को भी कोई समस्या हो तो जाकर देख सकता है। और जहाँ तक रही क्लासेस की बात, तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि पूरे यूट्यूब चैनल पर जो भी जितने भी लोग पढ़ाते हैं, कोई भी हो, उनके द्वारा बताए हुए कॉन्सेप्ट और भी चीज़ें जो हैं वो सबसे बेहतर होती हैं बिस्वानी सर के द्वारा जो बताते हैं। क्योंकि वो ग्रामर जो पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाते हैं। थ्योरेटिकली के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप प्रैक्टिकल में नहीं उतर पाएंगे ग्रामर के साथ, तो वो चीज़ें आपसे दूर होने लगती हैं, भूलने लगती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो प्रैक्टिकल होती है, और उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताते हैं हमारे सर। और इसी वजह से जो दिल्ली टीजीटी पूछता है, अधिकतर वो क्वेश्चन ग्रामर के ही होते हैं, लिटरेचर बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 7 से 8 क्वेश्चन लिटरेचर के आए थे, बाकी टोटली ग्रामर के ही आते हैं 100 में से। तो अगर आपका ग्रामर बेहतर है, ग्रामर हो गया पोर्शन बेहतर है, तो आप आसानी से दिल्ली टीजीटी के और भी यूपी टीजीटी पीजीटी जो भी चीज़ें हैं आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर यह विनम्र निवेदन है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं के चक्कर में ना फंसिए आप, जहाँ मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। हमारे सर के द्वारा बहुत ही नॉमिनल सी फीस ली जाती है, और अच्छी गाइडेंस के साथ अच्छी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले लगातार